पर मुरादाबाद में कार टकराने पर सीओ और दरोगा विवाद में नया मोड़ सामने आया। दरोगा ने सीओ के सामने आने पर सरकारी पिस्टल से गोली मारने की धमकी दे डाली। धमकी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अफसरों ने वीडियो की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। बता दें, सोमवार को दरोगा सचिन दयाल ने सीओ देवेंद्र यादव पर जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप लगाया था। दरोगा ने एसपी देहात से इसकी शिकायत भी की थी, साथ ही कार्यवाही के लिए सिविल लाइन थाने में सीओ के विरुद्ध तहरीर भी दी। इसी दौरान मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर दरोगा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दरोगा ने सीओ के उसके सामने आने पर सरकारी पिस्टल से गोली मार देने की बात कहकर सनसनी फैला दी। वायरल वीडियो में दरोगा खुद के संबंध में सांसद और मंत्री से होने की बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ इस मामले में खुद प्रदेश के डीजीपी से वार्ता होने की बात कह रहा है। वहीं दूसरे मामले में दरोगा सचिन दयाल पर फकीरापुरा क्षेत्र की महिलाओं ने भी मंगलवार रात अभद्रता और छेड़खानी का आरोप लगाया। फिलहाल एसपी सिटी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी पहलुओं की जाँच कर कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने गंदी भाषा का प्रयोग करा और मैंने एसपी आर ए साहब के सामने मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, उन्हें लिख के दिया। एसपी आर ए साहब ने मुझे आश्वासन दिया और ये मुझसे ये कहा कि बेटा तुम तो अपनी नौकरी करो और मैं उनकी जांच करवाता हूँ। तो मैंने उनसे एक बार कही, मका साहब जांच नहीं करवानी, या तो मुरादाबाद से मुझे निकाल दो या सी ओ साहब को निकाल लो। अगर मैंने कहा मेरे सामने पड़ गए तो सरकारी पिस्टल से सीधी गोली मार दी, चाहे मैं जेल जाऊं या कोई भी जावे। बाकी मेरे घर में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। और ओपी शर्मा जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश जिले के जो डीजीपी साहब हैं, उनसे मेरी बात है। राम राम।